अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज उम्मत मुस्लिमा के सामने एक बात रखना चाहता हूँ जो हमारे लिए शर्मनाक भी है और इबरतनाक भी। ये आपके सामने फ़ोटो नज़र आ रहा है, ये एक इसराइल के यहूदी का ट्वीट है जिसका नाम एदी कोहिन लिखा हुआ है। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तहरीर की है और उसके बाद उसने मुसलमानों का मजाक उड़ाया है। समाअत करें। उसने लिखा है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه والذي ارسل موسى بالحق لو اتبعتم نصف سنه محمد صلى الله عليه وسلم او ربعها لكنتم خير الناس ولكن غساء السيل تقولون بألسنتكم ما ليس في قلوبكم। ये एक इसराइली यहूदी का ट्वीट है जिसमें वो एक हदीस बयान करके मुसलमानों पर हंस रहा है। उसने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके तीन बेटियां या तीन बहनें हों या दो बेटियां या दो बहनें हों और वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे और उनके मामले में अल्लाह से डरे तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। फिर वो कहता है कि कसम है उस ज़ात की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को हक के साथ मबऊस फरमाया कि अगर तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी या चौथाई सुन्नतों की भी इत्तिबा कर लो तो तुम सबसे बेहतरीन बन जाओ। फिर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लेकिन तुम सैलाबी की गंदगी के मानिंद हो, तुम ज़बान से वो बातें कहते हो जो तुम्हारे दिलों में नहीं होती। देखो दुश्मन कैसे मजाक उड़ा रहा है। उसने इसलिए मजाक उड़ाया कि मुसलमान ये ज़रूर कहते हैं कि हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नहीं करते। मेरे भाइयों, दुश्मन को भी ये बात मालूम है कि आज जो मुसलमान जलील और रुसवा है उसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नहीं कर रहा। आज जो एक यहूदी नजिस नापाक की इतनी हिम्मत हुई कि वह मुसलमानों का मजाक उड़ाए तो उसकी वजह भी यही बनी कि हम मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा सही और कामिल तौर पर नहीं किया। इसलिए आज ये अहद कर ले कि हमें पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजारनी है और अपने दुश्मनों को जवाब देना है कि हम किसी भी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।